तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक मोटरसाइकिल है इज गोइंग ऑन ए ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर। मैं कोई कार ले लिया हूँ तो बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ओवर ब्रिज जो है वो आर्क है, ठीक है, आर्क के फॉर्म में होता है, और जिसकी आर्क की रेडियस आर है, मतलब सर्कल जो बनेगा। द ड्राइवर मेंटेन ए कॉन्स्टेंट स्पीड। ध्यान रखना है कि स्पीड भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है। एज द मोटरसाइकिल असेंडिंग, असेंडिंग मतलब होता है ऊपर जाना, द नॉर्मल ऑन इट, जैसे जैसे मोटरसाइकिल ऊपर जाएगा तो इस पे नॉर्मल कैसे वेरी करेगा। हम सबको पता है प्यारे बच्चों, कई बार इसको मैं डिस्कस भी किया हूँ कि अगर नॉर्मल इंक्रीज होगा तो अपेरेंट वेट इंक्रीज होगा, ठीक है ना, और नॉर्मल अगर डिक्रीज होगा तो अपेरेंट वेट भी डिक्रीज होगा। तो वेट कम है ज़्यादा होता है, तो इसी चीज़ को हमें करना है, सीखना है। तो चलो सबसे पहले हम इसको करते हैं, देखते हैं कैसे नॉर्मल चेंज हो रहा है। ध्यान रखना है मास कांस्टेंट है गाड़ी, वही है स्पीड कांस्टेंट है। तो ये वर्टिकल वाली लाइन है, और यहाँ पर मैं इसका सर्कल का सेंटर एज्यूम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात, सेंटर O है। और मान लेते हैं किसी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट ये जो है, ये गाड़ी यहाँ पर है, टॉप पर अभी पहुँच गई है, और ये यहाँ से आ रही थी, तो किसी इंस्टेंट अभी गाड़ी यहाँ है, तो ये वाली जो है वो किसी थीटा डिग्री पर लाई कर रही है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, ये किसी इंस्टेंट थीटा डिग्री पर है गाड़ी। तो अगर मैं ये थीटा एंगल देखूंगा, तो अगर ये गाड़ी कभी यहाँ पर है तो इस पे सबसे पहले फोर्स अगर देखोगे तो फोर्स सबसे पहले तो वेट mg लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि ग्राउंड लगाएगा, ठीक है। और नॉर्मल जगह का इस वाले लाइन में नॉर्मल अपना इधर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो एंगल थीटा होगा बच्चों। तो ये तो अब यहाँ से सर्कल में आर्क में जा रहा, तो आर्क में जाने के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वो क्या चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंटीपिटल फोर्स तो होता ही नहीं है, नेट रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ही सेंटीपिटल होता है। तो इस लाइन में अगर मैं फोर्सेज को रिजॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले देखो mg का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा, जो होगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसको नीचे लाएगा, जो होगा mg sin थीटा, जो नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। बट फिर भी गाड़ी आगे जा रही है क्योंकि इधर फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से mg sin थीटा ये है, और अब सेंटर की तरफ अगर सेंटीपिटल इक्वेशन लिखोगे तो सेंटीपिटल इक्वेशन क्या बना, बोलो। सेंटर की तरफ नेट रियल फोर्स ही सेंटीपिटल होता है, जो कि mv² / r है, और ये पूरा mv² / r, इसकी पूरी की वैल्यू क्या बोलो, कांस्टेंट है, क्योंकि v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है। तो इसमें mg cos थीटा में से नॉर्मल को घटा दूंगा तो जो बचेगा वही सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू देगा। तो यहाँ से अगर तुम बात करोगे ये वाली चीज़, तो बेसिकली यहाँ से नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी किसी भी इंस्टेंट थीटा डिग्री पे, तो आ जाएगा mg cos थीटा, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा माइनस mv² / r। तो mg cos थीटा माइनस mv², ये ही हमें बताएगा ये इक्वेशन कि नॉर्मल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर मैं एनालिसिस करूँ तो ये वाली जो वैल्यू है, ये तो हमेशा कांस्टेंट है, ये वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो सकती क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो थीटा की वैल्यू क्या, यहाँ पर इस लाइन पे थीटा कितनी है, वर्टिकल से थीटा 0 है, और ये अगर इधर से इधर आओगे तो जब ऐसे लाइन हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू इस लाइन पे कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो जब गाड़ी इधर से इधर जा रही है तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो थीटा की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, याद रखना यहाँ पे। तो यहाँ से कॉस, क्योंकि कॉस 0 है तो कॉस 0 यहाँ पे 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और यहाँ कॉस 90, यहाँ कॉस 90 है, तो मैग्नीट्यूड में देखोगे तो यहाँ 0 होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू, और ग्राफ से भी देख सकते हो यार, तो अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि mg cos थीटा वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब अगर एक कॉन्स्टेंट है तो नॉर्मल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से मतलब अगर हमेशा याद रख लो तो इस बात को, अगर ओवर ब्रिज पे कोई भी गाड़ी है, अगर ओवर ब्रिज पे इधर से इधर जाएगी तो नॉर्मल की वैल्यू इंक्रीज होती है और वेट इंक्रीज होता है, ठीक है। और अगर इधर से इधर जाएगी तो नॉर्मल की वैल्यू डिक्रीज होती है
और अपेरेंट वेट डिक्रीज होता है। और अगर ये ब्रिज उल्टा हो जाए, ये ब्रिज ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ये ब्रिज ऐसे हो जाए बच्चों, ठीक है। अब गाड़ी इसमें आ रही है, ऐसे आ रही है गाड़ी, ठीक है, तो ऐसे चलती है। तो यहाँ से आप खुद एनालिसिस कर लेना, नहीं तो किसी न किसी भी मेरे वीडियो में आ ही जाएगा। तो ये थीटा डिग्री है और नॉर्मल इधर जाएगा और एम जी नीचे जाएगी, तो एम जी कॉस थीटा इधर आ जाएगा और एम जी साइन थीटा इधर आ जाएगी। तो नॉर्मल माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एम बी स्क्वायर ओवर आर। तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम बी स्क्वायर ओवर आर प्लस एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी देख रहे हो कि अगर इस वाले में देखो, इस वाले में भी अगर इधर से इधर जाओगे तो इस वाले में भी नॉर्मल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और वेट इंक्रीज हो रहा है, और इधर से ऊपर जाओगे तो नॉर्मल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और वेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा ज़्यादा बता देता हूँ और वो बच्चे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो नॉर्मल विल बी द इंक्रीज। तो आई होप कि एंजॉय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।